गांव के किसी छोटे से तिलकपुर नामक स्थान पर एक साधु बाबा आए। वह बच्चों को भगवान की आशीर्वाद देने के लिए जाने जाते थे। एक दिन बाबा ने एक छोटे से बच्चे को आपसे मिलने बुलाया। रमेश, तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद मिलेगा। इसका सच तुम्हें जानने के लिए तुम्हें एक सफर पर जाना होगा। रमेश की आंखों में उत्साह था। वह अपने गांव के बाहर नए सफर की ओर बढ़ा। उसने अपनी अद्भुत शक्तियों का पहले प्रयोग किया, जिससे उसने एक बिगड़े हुए पुल को ठीक किया और गांव वालों को आश्चर्यचकित कर दिया। एक दिन रमेश एक अनूठे जंगल में पहुंचा, जहां एक रहस्यमय गुफा थी। वह गुफा में घुसता है और वहां बाबा के साथ एक पुराने महात्मा का दर्शन होता है। महात्मा ने कहा, रमेश, तुम्हें एक और सफर पर जाना होगा। वहां तुम्हें असली आशीर्वाद का सच पता चलेगा। रमेश ने और एक सफर शुरू किया और एक अद्भुत देश में पहुंचा, जहां सभी लोग खुश रहते थे। वहां के लोग उसे बताते हैं कि खुशियाओं और आशीर्वाद सिर्फ सहानुभूति, ईमानदारी और सेवा में हैं। रमेश ने उस देश की संस्कृति सीखी और वहां के लोगों से मिलकर अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना सीखा। वह वहां के लोगों की सहायता करने लगा और उन्हें खुशियां बांटने का आनंद लिया। एक दिन रमेश को पता चलता है कि उसके गांव में शैतानी राजा ने कहां उसके बारे में जानकर उसकी शक्तियों को चुराने का प्रयास किया है। रमेश वापस गांव की ओर तेजी से बढ़ता है। गांव में हुआ एक महायुद्ध में रमेश और शैतानी राजा के बीच। रमेश की सच्ची आशीर्वाद से शैतानी राजा हारा और उसने गांव को खुशियों से भर दिया। आखिरकार रमेश ने समझा कि वास्तविक आशीर्वाद उसकी सहानुभूत है। रमेश, ये शक्तियां मेरे भाग्य में हैं, इनका सही इस्तेमाल करूंगा।